बुलंदशहर में NH 91 पर ट्रैफिक रोककर बाइक और घोड़ों की दौड़ का आयोजन किया गया, जिसकी वजह से हाईवे से गुजरने वालों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। करीब 5 किलोमीटर तक रेस करने वाले हंगामा करते रहे और इस पूरी दौड़ के दौरान पुलिस यहां पर नदारद रही। गाड़ियों के बीच दौड़ते घोड़ों को देखकर लोगों में रोमांच भर गया था, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही से कोई भी हादसा हो सकता था? एक्सक्लूसिव तस्वीर है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको दिखा रहा है। देखिए इन तस्वीरों में घोड़ों को इस रेस से न सिर्फ लोगों के लिए खतरा बढ़ाया इस रेस ने, बल्कि पुलिस के पेट्रोलिंग की भी पोल खोलकर रख दी। बताया जा रहा है कि इस रेस पर लाखों का सट्टा लगा था। बड़ी खबर इस बीच जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको दिखा रहा है। देखिए कैसे यहाँ पर बुलंदशहर की तस्वीरें सामने आई है। NH 91 का ये पूरा मामला, जहां पर ट्रैफिक रोक कर बाइक और घोड़ों की दौड़ का आयोजन किया गया। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता मोहित का। मोहित, सबसे बड़ा सवाल यही है कि हाईवे पर गुजरने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन उस दौरान पुलिस नदारद रही और खबर ये भी आ रही है कि इस रेस पर लाखों का सट्टा लग गया। जी बिल्कुल, सूत्रों की माने तो जिस तरीके से ये वीडियो सामने दिख रहा है, इसमें बिल्कुल जो इक्का है बड़ा तांगा है, इसकी रेस लगाई गई और वीरखेड़ा गांव से लेकर सिकंदराबाद तक इस रेस का आयोजन किया गया था। इस रेस के आयोजन पर लाखों रुपए का सट्टा लगता है, जो उसको विजेता होता है उसको इसका लाखों रुपए का इनाम दिया जाता है। और पूरे रेस के दौरान हाईवे पर जिस तरीके से पुलिस की पिकेट रहती है मौजूद, हाईवे पर 112 डायल की गाड़ियां रहती हैं, तो कहीं भी किसी तरीके से किसी पुलिसकर्मी ने या किसी ने रोकने का प्रयास नहीं करा और खुलेआम NH पर ये पूरी रेस लगी, जो कि साफ नजर आ रहा है किस तरीके से जो NH पर चलने वाले राहगीर हैं, जो गाड़ियां हैं उनको यातायात पूर्ति से बाधित कर दिया गया। जी चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है कि सट्टेबाजों ने कैसे रेस लगाकर वहां से निकलने वाले लोगों का जीना मुहाल कर दिया, क्योंकि ट्रैफिक बाधित रहा।